हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे नए व्लॉग में। वक्त हुआ है शाम का, मौसम है कुछ ऐसा, रात को भी बहुत तेज आंधी आई थी और अब है जो पानी वानी गाल दी, आधार कार्ड ली या दे है थोड़ा सा, अब वो भी आने वाली है, वो एक महीना रहता है उसका। ये बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, पहले खेल के और चले गए थे, इसका चाचा आया जब घर, और मौसम है ख़राब। आज भी शायद आंधी आवे तो बुरा हाल मचा दे है, पेड़ा के टूट टूट के डाली फूल, बहुत बुरा हाल हो जाए है और तड़के लगे है बहुत सारा टाइम। ये भी इसके पापा जुआर में मारा है खाद छोटी छोटी में, या जो काटी है ना इसी में खाद मारा है, मार दो मौसम देख के आग पछो रही से। इब के अड़बेर से थंबा जाए के देखना आई हो हां, यूं तो कोनी आए, रोज कोनी आओ थम। चलो लंबे घूम के आवांगे। ये दोस्तों अब बनाएंगे कढ़ाई पनीर, दो चम्मच तेल की गेर के और बड़े बड़े प्याज काट के, और ये थोड़े से लाल होने तक, थोड़े से मतलब हल्के से नरम होने तक पकाने हैं, और इसके बाद इसमें काजू और मूंगफली, काजू 100 ग्राम, मूंगफली 100 ग्राम, और टमाटर और प्याज, ये चारों चीज़ पकानी है नरम होने तक, नरम हो जाए। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर हम हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ करते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे ठंडा होने के बाद, एक गाणी कर ली, अब दूसरी डाल लेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके और आप यो सारा डाल दिया, ग्राइंड करके इसना फिर छोकेंगे, मतलब पनीर, शाही पनीर के लिए कुछ भी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। उस साइड में हमने अदरक और लहसुन के बड़े बड़े से टुकड़े, ज़्यादा लहसुन लेके और वो कूट लिया। अब दो चम्मच तेल चढ़ाया, सब्जी वाली दो चम्मच, ये धुआँ उठने लग गया, इसमें थोड़ा सा घी दो चम्मच ही, क्योंकि शाही पनीर में घी और क्रीम पड़ती है, क्रीम तो हमारे ये खाते नहीं हैं, मीठी हो जाती है। ये गई कसूरी लाल मिर्च, देगी मिर्च बोल सकते हैं, कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च बोल सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची, थोड़ी सी देर पकाएंगे नहीं तो ये फूक जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। बस अब डाल देंगे ये पेस्ट किया है ये सारा ग्रेवी के लिए। ये ज़्यादा गाढ़ी लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, वो जो रखा है ना जार में, वो थोड़ा सा पानी इसलिए रखा है कि ये जो पीसा वीसा था ये थोड़ा सा बच गया था ना, ये इसमें डल जाएगा, क्योंकि काजू की ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है मतलब अपनी भाषा में। तो ये करके थोड़ी ये पानी को धो धा के सारी इसमें डाल देंगे। अब इसके लिए आप थोड़ा सा ढक के पकाएंगे और इसके अंदर अब डालेंगे, ये ढक दिया, अब इसका मसाला डालेंगे। ये है धनिया, स्वाद के अनुसार डालते रहो अपने जितना भी चाहिए, हल्दी नमक और मिर्ची, ये मिर्ची हैं जो मुंह बड़न वाली मिर्ची बोलना है वो। और अब थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पानी डाला था उसमें, थोड़ी देर के बाद मतलब आधा घंटा कम से कम पकाएं, आधा से भी ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है। इसको पकाने के बाद ये पनीर के पीस कर लिए, 1 किलो पनीर बनाया था तो 1 किलो प्याज थे और 1 किलो ही टमाटर थे, लग जाता है हमारे में इतना, दो टाइम खा लेते हैं। चावल बनाए, चावल और रोटी दोनों के साथ खा लेते हैं। अगले ये डाल दिया गरम मसाला, कसूरी मेथी और पनीर डाल के इसको 10 मिनट तक ही और पकाएंगे बस। और इसको ढक के पका लेंगे थोड़ी देर और फिर ये है बिल्कुल तैयार। धनिया डाल दिया ऊपर,
ये गार्निशिंग के लिए, और चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो, बस क्रीम क्रीम की कसर खा रहती के है। अब आ गए हैं अब पायल पे, ये लेके आई थी ये एक जोड़ी, ये हैं तीन जोड़ी पायल होगी, एक जोड़ी मेरी पहले थी और दो जोड़ी अब नई ले आए। एक तो ये लेके आए हैं डेली यूज के लिए और एक वो पाइया वाली लेके आए हैं। और इसमें अंगूठे की चुटकी और ये सारी चीज़ें हैं। मीठे में आप सोच रहे होगे मीठा तो कुछ बनाया नहीं, मीठा का ये है भाई, मीठा हम काजू कतली और रसगुल्ले, और बच्चों के लिए पहले टॉफ़ी भी मंगवा दी थी, और फिर एक दिन पहले हमारी एनिवर्सरी थी तो हलवा शलवा तो खा ही लिया था, तो मीठा हमने बनाया ही नहीं, सारे बर्फी शर्फियों में ही रह लिए। ये देखो एक ये अंगूठी लेके आए थे, ये सारा दिन पड़े रहे, क्यों मैं गोबर वगैरह में हाथ रखती हूँ तो सोने वाले अंगूठियों के नीचे फंस के, और फिर मेरे को आटा भी लगाना रहता है, फिर बार बार ना तो वो निखाली जाए ना बात, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कभार पहनती हूँ बस ब्याह शादी में या कहीं आना जाना हो तभी पहनती हूँ बस। ये ले आए, ये एक मेरी ये टूट गई थी तो इन्होंने बोला कि एक टूट जाए तो फिर 5-4 महीने तू जाएगी नहीं, इसलिए और ले आए दो एक, मगर और ले ले तू। तो भाई दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और पूरा देखा करो व्लॉग को, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।